हाँ तो भाई आज इंडिया में फाइनली लंबे इंतजार के बाद में Redmi Note 12 4G लॉन्च हो चुका है, जिससे भाई हमारे सामने इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशंस, प्राइस पॉइंट और कैसा फ़ोन देखने को मिलता है सब कुछ हमें पता चल चुका है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये फ़ोन क्यों बाय नहीं करना है। हाँ, बहुत सारी वीडियोस आप देखते हो जहाँ पे भाई इसकी स्पेक्स बताई जाएगी कि अच्छा फ़ोन ये है वो, बट मैं आपको साफ साफ ये फ़ोन लेने से मना करना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ वही प्राइस रेंज में हमें एक 5G फ़ोन देखने को मिल जाता है। तो हम 5G फ़ोन बाय करेंगे ना कि 4G फ़ोन बाय करेंगे, तो क्या पीछे का माजरा सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं। बात कीजिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे हमें 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz के साथ में एक AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें HDR 10 का सपोर्ट, वाइड एंगल 11 सर्टिफाइड देखने को मिलता है, बीच में एक पंच होल कैमरा कटआउट सेटअप देखने को मिल जाता है। तो भैया डिस्प्ले की क्वालिटी शानदार है। बात कीजिए प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमें Qualcomm Snapdragon का 685 वाला प्रोसेसर, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप, LPDDR4X की रैम टाइप देखने को मिल जाता है। तो भैया जो प्रोसेसर ये 4G है, इसके लिए हमें ये फोन 4G देखने को मिल जाता है। और सबसे ज्यादा ड्रॉबैक भी यही है कि ओवरऑल जो सारी स्पेक्स हमें प्रोवाइड की गई वो बढ़िया है, बट एक ये 4G फोन निकल के आ जाता है और 15,000 के ऊपर अगर आप पैसा स्पेंड कर रहे हो तो मिनिमम 5G फ़ोन होना ही चाहिए, क्योंकि आज के समय आपको पता है Jio 5G हर जगह अवेलेबल हो चुका है, जहाँ पे आप अनलिमिटेड फ्री में 5G यूज़ कर सकते हो। अब तो भाई एयरटेल में भी आ गया है, अगर आपके पास में कोई भी 5G फ़ोन है, आप Jio या एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हो, आई बटन में जाइए, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो किस हिसाब से आप फ्री में अनलिमिटेड 5G का मजा उठा सकते हो। अगर बात कीजिए कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पे हमें 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2MP का बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। बात कीजिए बैटरी और चार्जर के बारे में, तो यहाँ पे हमें 5000mAh की बैटरी और जो फोन ये 33W का फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है और जो चार्जर है वो हमें बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। बात की UI के बारे में, तो यहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 और यहाँ पे हमें MIUI 14 पर रन करता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, UI में हालांकि कुछ एड्स और ब्लूटूथ होंगे, वो थोड़ा आप मैनुअली करके उसे हटा सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। बात की सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें 7 मॉडल फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लोगों का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, 3.5mm जैक, यहाँ पे हमें डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बात कीजिए बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, तो जो आपने Redmi Note 12 सीरीज देखी थी ना, बस लगभग यहाँ पे वही सीरीज की जैसे वही यहाँ बस वैसे ही डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पे फॉलो की गई है। यहाँ पे हमें प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाता है, साइड का फ्रेम प्लास्टिक का देखने को मिलता है और ओवरऑल गुड लुकिंग फ़ोन हमें देखने को मिल जाता है। बात कीजिए प्राइसिंग के बारे में, तो इंडिया में 2 RAM के साथ में आए हुए, एक है 6GB रैम 64GB वेरियंट, सेकेंड है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज। 6GB 64 की प्राइस हमें 15,000 रुपये और 6 128 की प्राइस हमें 17,000 रुपये देखने को मिल जाता है। और भाई अगर आपके पास में ICICI का कार्ड है तो 1,000 का डिस्काउंट, तो जो 15 वाला था वो 14 का मिल जाएगा और जो 17 वाला का था वो 16 का देखने को मिल जाएगा। हालांकि 6 अप्रैल से आप इसे Flipkart से और MI.com के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर पाओगे। देखिए जो ये बैंक डिस्काउंट आया है वही इनिशियली कुछ सेल्स के लिए ही रहता है, तो क्या पता बाद में इसे हटा दिया जाए, तो इसकी जो भाई एक्चुअल प्राइस 15,000 और 17,000 ही हमें देखने को मिल जाती है। तो भाई ये फोन आपको बाय नहीं करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो 4G वर्जन है इसके लिए इसका ड्रॉबैक देखने को मिल जाता है, तो इसके बदले में आप कौन सा फोन बाय कर सकते हो, तो सिंपल आप Realme Narzo 50 Pro 5G बाय कर सकते हो। 17,000 में यहाँ पे देखने को मिलता है 6128, वहाँ पे भी हमें 17,000 में 6128 देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें वहाँ पे 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, MediaTek का 920 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, 90Hz का अलग वहाँ पे पैनल देखने को मिलता है, बट 120Hz और 90Hz में हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके बदले में आप Realme Narzo 50 Pro 5G बाय कर सकते हो। पोको प्रो देखिए कभी कभी आ जाता है ऑफर में, तो वो भी हमें 15-16 हज़ार में मिल जाते हैं, हालांकि Realme Narzo 50 Pro अभी विदाउट डिस्काउंट में 17 का देखने को मिल रहा है और कभी कभी ऑफर आता रहता है तो ये भी हमें 15,000 का देखने को मिल जाता है। तो आपको सजेस्ट करूँगा इसके बदले में आप वो दोनों फ़ोन Realme Narzo 50 Pro 5G या पोको X4 Pro 5G, ये दोनों फ़ोन में से आप कोई भी फ़ोन परचेस कर सकते हो। ये फ़ोन आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सब कुछ अच्छा, ओवरऑल स्पेक्स हमें बढ़िया देखने को मिल जाती है, बट एक 4G है और 2023 में अगर आप 15,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, 15,000 खर्चा कर, आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप एक 5G फोन परचेस कीजिए। देखिए इस टाइम पे भाई हमें अनलिमिटेड 5G का मजा मिल रहा है, चाहे आप Jio यूजर हो चाहे आप एयरटेल यूजर हो, तो क्यों ना भाई हम उसका मजा उठाएं। और देखिए अगर 5G प्रोसेसर निकल के आता है तो 5G फोन निकल के आता है तो प्रोसेसिंग पावर भी हमें यहाँ पे 4G के मुकाबले वहाँ बेटर देखने को मिल जाती है। तो चलिए अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं सर, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।